गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल गाइज। होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो हियर आई एम टू मेक अ गेट रेडी विथ मी। सो इस वीडियो में होने वाला है गेट रेडी विथ मी के साथ साथ पार्टी ब्लॉग, जो कि मैं जाने वाली हूँ पार्टी पे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, बहुत ही एंटरटेनिंग। तो लास्ट तक जरूर देखना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो लेट्स यहाँ पे मेरे औजार मेकअप के सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, यहाँ पे सब मैंने रख लिया है। अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करने वाली हूँ अपना। So here I am and I am done my face wash already and I am going to applying my foundation। तो ये foundation काफ़ी अच्छा है, मैंने बहुत दिन से try करा हुआ है। ये मैंने लिया था purple से, NYB का है। थोड़ा सा ये हल्का शेड है, तो आप इसके लिए जा सकते हो। अगर आपको नॉर्मल सा रेगुलर डे पे चाहिए फाउंडेशन तो आप इसको ले सकते हो। ज़्यादा वाइट कास्ट भी नहीं देता है और ज़्यादा हैवी कास्ट भी नहीं देता है आपको। तो ये बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है मेरे लिए, और मैं इसे अपने हाथों से स्प्रेड कर लूँगी अच्छे तरीके से। मुझे बहुत टाइम पर ऐसा लगता है कि मेरे हाथ ही बहुत ज़्यादा फ्रीली है मेरे मेकअप को स्मूदी बनाने के लिए। मुझे ब्रश वर्श वगैरह बहुत ही कम लगता है, तो मैं अपने हाथों से ही करना प्रेफर करती हूँ। सो है आई एम डन माई अप्लाइंग फाउंडेशन। देन इसके बाद अप्लाई कर रही हूँ कंसीलर। कंसीलर मुझे लगता है बिकॉज आई हैव अ डार्क सर्कल, तो मैं अप्लाई करती हूँ अपने अंडर आई डार्क को टोन करने के लिए। एंड देन आई एम अप्लाइंग यहाँ फेस पाउडर, जो कि कॉम्पैक्ट भी है। देन अप्लाइंग माई ब्लश, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट फॉर मी। एंड बहुत ही मुझे अच्छा लगता है ब्लश करना, लेकिन मैं बहुत ही मिनिमम और नॉर्मल सा लगाती हूँ, बिकॉज बहुत ज़्यादा रेड रेड भी मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है। एंड आई एम स्प्रेडिंग विद द हेल्प ऑफ ब्रश, बिकॉज हाथों से पॉसिबल नहीं होता है कभी कभी। एंड हियर आई एम अप्लाइंग हाईलाइटिंग, सो बिकॉज मुझे हाईलाइट करना बहुत पसंद है एंड पार्टी पे बहुत ही अच्छा लगता है हाईलाइटिंग करना अपने फेस को। एंड हाईलाइटिंग टोन, हाईलाइटिंग पार्ट को भी आप हाईलाइट कर सकते हो ना, ओवरऑल फेस को भी आप हाईलाइट कर सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड लुक्स। एंड हियर आई एम डन माई आई लाइनर एंड मस्कारा एंड आईब्रो, आई थिंक ऑल्सो आई एम डन। एंड आई शेडो पे मैं नहीं जाऊँगी, बिकॉज मुझे आई शेडो कभी कभी बहुत नहीं भी करना पसंद है, मेरे चलता है मेरा। तो मुझे जब बहुत ज़्यादा ऐसे पार्टी पे जाती हूँ तो करती हूँ, बट ये नॉर्मल सा है तो आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट। एंड सो यहाँ पर मैं लिपस्टिक लगाने वाली हूँ। सो यहाँ लिपस्टिक लगाने के बाद, ये तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, लिपस्टिक तो कोई भी स्किप नहीं करता है। तो यहाँ पे मैं लिपस्टिक लगाने वाली हूँ, आई थिंक मैट रेड है ये तो, बट मैंने इसे बाद में चेंज कर दिया था बिकॉज मेरे पे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अभी क्या छूटा क्या नहीं पता नहीं मुझे, जो भी छूटा ठीक है। So here I am ready and I am already done my makeup and I wore this dress and this is the suit and very look good on me। और मैंने लिपस्टिक भी अपना चेंज किया, जो कि न्यूड कलर पर मैंने इसे रिप्लेस किया, बहुत ही अच्छा एलिगेंट लग रहा था। तो वीडियो क्लास तक जरूर देखें, और बहुत ही ज़्यादा जल्दी करना, जल्दी जाना।
पीछे जोरू दाएं जोरू बाएं जोरू 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 शाम सवेरे अब मैं जोरू जोरू।